So hello everyone, welcome to the part 2 of the hydrocarbons, complete the following reactions. In these following 4 reactions, we are dealing with the Wood's reaction. Let's have a short summary about the Wood's reaction. When alkyl halide RX reacts with 2 moles of Na, in the presence of dry ether which is acting as a solvent, will give you the alkane and 2NaX is the byproduct. X जो हेलोजन है वो आप या तो ब्रोमीन ले सकते हैं या क्लोरीन ले सकते हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे CH3CH2Br plus 2NaBr CH2CH3 dry ether, ऐसे करके कंप्लीट दी फॉलोइंग अगर आ जाता है तो ये आप चुपचाप 2NaBr निकालो और क्या होगा, CH3CH2 यहाँ का CH2CH3 यहाँ का मिल जाएगा प्लस 2NaBr, यानी कि यू आर गेटिंग द डबल द कार्बन एटम. रिएक्टेंट्स में आप जो ले रहे हो उसका दुगना मिल रहा है. आपने रिएक्टेंट में क्या लिया था, ब्रोमो इथेन, और प्रोडक्ट क्या मिला, ब्यूटेन. तो बेटा एथ का हो गया है ब्यूट. सो वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड वेयर यू नीड टू डबल द कार्बन एटम्स. एथ का हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट का हो जाएगा ऑक्ट, एंड इट गोज ऑन. क्लियर? ओके. जैसे यहां पर बॉन्ड लाइन नोटेशन पे अगर आए, 1, 2, 3 ये कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3 ये भी, 1, 2, 3 तीन तीन मिलकर क्या बना देंगे, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बाहर क्या निकल जाएगा, 2NaCl. सिमिलरली चलिए भाई, इथाइल ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमाइड, 2NaBr निकाला, ट्याउ ट्याउ ट्याउ. नाउ दिस इज नथिंग बट द लिमिटेशन फॉर द वुड्स रिएक्शन. क्या है भाई लिमिटेशन, लिमिटेशन ये है कि इट इज ओनली यूज टू मेक इवन और symmetrical number of alkanes. It is not used, Wood's reaction, make a note of it. देखने से कभी नहीं आएगा, note करते रहो. Wood's reaction का limitation ये है कि it is not used to make the unsymmetrical or the odd number of alkanes. जैसे अगर आप सोचो कि आप प्रोपेन बनाना चाहो, पेंटेन बनाना चाहो, हेप्टेन बनाना चाहो, तो वुड्स रिएक्शन से वो संभव नहीं है. क्यों नहीं है, उसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. आपने यहां पे क्या ले लिया, ब्रोमोइथेन, यहां पे क्या ले लिया, ब्रोमो मीथेन. जब 2NaBr निकल जाएगा तो क्या बच रहा है, CH3CH2CH3. आप सोचोगे कि ये ही प्रोडक्ट है, नहीं, रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, क्योंकि ये अपनी वुड्स दिखाएगा, मतलब ये अपने इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा. भाई देखो, सॉल्यूशन के अंदर यहां पर जो वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, इट यूजली फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो जब फ्री रेडिकल बनता है ना बच्चों, तो वो क्या होता है, वो पागल आदमी होता है. क्या होता है, पागल, हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव. तो क्या करेगा, या अपने फ्री रेडिकल या दूसरे फ्री रेडिकल जो मिलेगा उस पर झपट्टा मार के प्रोडक्ट बना लेगा. तो द थिंग इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहां पे बेटा डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं. ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल के साथ प्रोपेन बना ले, या इसका फ्री रेडिकल CH3CH2 डॉट इसे CH3CH2 डॉट के साथ मिलकर ब्यूटेन बना ले. और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि CH3 डॉट के साथ मिलकर इथेन बना ले, क्योंकि भाई सॉल्यूशन के अंदर, बीकर के अंदर तो फ्री रेडिकल एकदम पागलों की तरह घूम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते रहेंगे. सो हेयर आर द 3 प्रोबेबिलिटीज. सो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वुड्स रिएक्शन क्या अनसिमेट्रिकल या ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाने के काम आती है, आप कहना नहीं साहब, नहीं आती. तो पहले तो एग्जाम्पल दे देना, उसी से एग्जामिनर खुश कि नहीं यार बच्चे को आता है. फिर एक पॉइंट लिख देना, क्या लिखोगे,
दैट ऑन टेकिंग द डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स वी आर गेटिंग द थ्री मिक्सचर ऑफ एल्केन्स विच इज यूजली डिफिकल्ट टू सेपरेट. ठीक है, इनको अलग करना मुश्किल है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स नियरली सेम होंगे. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर आप इसको अलग करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी. इसलिए वी अवॉइड यूजिंग व्हाट ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स यूजिंग वुड्स रिएक्शन. चलिए भाई, नेक्स्ट एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन का. इंटर इंट्रा, इंटर मतलब इसने इसके साथ रिएक्ट किया इंटर, इसने इसके साथ रिएक्ट किया इंटर. जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कहानी बन जाए, कैसे कहानी बनेगी, इसके दो मोल हैं, इसका एक ही मोल है, याद रखना इसका एक मोल है. कभी कभार कुछ बुक्स पे क्वेश्चन होता है इसमें भी उसके दो मोल होते हैं तो फिर कहानी इंटर की हो जाएगी. ये अभी एक मोल है, इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा. ये सी बी आर बॉन्ड है, ये सी सी एल बॉन्ड है, पहले कौन सा टूटेगा बताओ. देखो पहले होता है आर एफ, फिर होता है आर सी एल, फिर होता है आर बी आर, फिर होता है आर आई. डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो जल्दी टूटेगा आर बी आर. यानी कि ये टूटा 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 एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया. यहां पर आ गया बेटा फ्री रेडिकल, यहां पे टूटा और फिर से आ गया फ्री रेडिकल. समझ रहे हो, यानी कि NaCl और NaBr निकल गया और ये जो डॉट डॉट बच गए थे इसका इन्होंने क्या बना दिया, बीच में बॉन्ड. तो बाईसाइक्लो प्रोडक्ट मिलेगा. मैं क्वेश्चन को यहां वापस से लिख दे रहा हूं, गंदगी के लिए माफी चाहते हैं. ये बाईसाइक्लो प्रोडक्ट है, ठीक है. अच्छा फटाफट देख लेते हैं, मेक अ नोट ऑफ इट, बना लिया. एक बार जरा ना वुड्स रिएक्शन को, हालांकि मैकेनिज्म के बताने के मूड में नहीं हूं, लेकिन चलो यार ये वीडियो में वुड्स रिएक्शन की बात हो रही है तो जरा सुन लो क्या हुआ था. अगर आपके टीचर ने करवाई है तो आएगी एग्जाम्स में, वरना कोई टेंशन ना लेना. होता क्या है, Na जो है ये बच्चों आयनाइज होता है, ठीक है. आयनाइज होने का भी कारण है जो ड्राई इथर सॉल्वेंट है, वो ड्राई इथर सॉल्वेंट इस Na जो कि उसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको एकदम लपकता है. इथर क्या है, आर ओ आर. तो ये जो O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है ये इस Na को पार्शियल पॉजिटिव को चारों तरफ से घेरता है. भिशू, भिशू, भिशू. Na एक्साइट होता है, क्या होता है एक्साइट, और जैसे ही एक्साइट होगा तो आयनाइज होगा क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये आरएक्स से कहेगा हेलो भैया केसनबा. देखो आर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. ई नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा कि नेगेटिव पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव पे. अटैक किया, क्या बनाया, आर डॉट, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस एक्स माइनस अलग चला गया. अब ये जो बना मैंने अभी बताया था फ्री रेडिकल बना, और ये क्या होता है पागल. तो आपने दो Na लिए थे और दो RX लिए थे, आपने दो Na लिए थे ना, ये देखो, और दो RX लिए थे तो फिर से Na एक इलेक्ट्रॉन देगा और फिर से वो इलेक्ट्रॉन इस RX के पास आएगा तो एक और फ्री रेडिकल उत्पन्न होगा. समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही. दो Na है, दो RX है, एक Na आयनाइज होकर एक इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन RX के इस पे रिएक्ट कर रहा है, R प्लस पे रिएक्ट कर रहा है, और डॉट बना रहा है और ये X माइनस निकल रहा है. तो एक मोल लेने से, एक मोल RX और एक मोल Na लेने से एक R डॉट मिल रहा है, उसी तरह दूसरा मोल RX और दूसरा मोल Na लेने पर एक और R डॉट मिलेगा. ये R डॉट, ये R डॉट
यानी कि फ्री रेडिकल आर आर बना देगा। समझ में आइया पक्का? चलिए भैया हिट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं आप लोग पार्ट 3 पे। स्टे ट्यून्ड।